हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमो। आप देख रहे हैं मेरे चैनल ब्रूटल सुमो। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से रह रहे होंगे, मस्त रह रहे होंगे। तो भाई, मैं आपके लिए लेके आ गया एक और DJI की वीडियो, मस्त सी। अब इसमें मस्त है कि नहीं ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि भाई मेरा काम है खेलना, आपको जाकर वीडियो देना। अब उसके बाद आप लोग का काम है कि वीडियो को रिस्पॉन्स देना कि अच्छा है ख़राब है। तो भाई, इसमें हम लोग उतरे यहाँ पे यसनाया पोलिया ना, क्योंकि यहाँ बनाता है एक्स्ट्रा लूट वाला जोन। अब यहाँ मैं आया, लूट किया, एक एम और स्कारल मिली। अब भाई मेरे पास थी मॉली, और मैंने देखा भाई फुटस्टेप है, सामने है बंदा। मैंने देखा चलो इस बंदे को थोड़ा आग लगाते हैं, जलाते हैं इसको भाई, जला देंगे पूरा, जला के खाक कर देंगे। तो भाई आराम से हम लोग यहाँ पे आया, मैं आया मैंने मॉली की, बंदे का फुटस्टेप वहीं से आया, पर बंदा वहाँ से भाग चुका था, मतलब बंदा वहाँ था नहीं, तो मेरी यहाँ पे मॉली हो गई वेस्ट। अब भाई यहाँ पे सामने वाले जो अपार्टमेंट जहाँ मैंने अभी स्कोप ऑन किया, भाई वहाँ पे थे बंदे, मेरे को एक या दो बंदे थे। अब भाई मैंने वहाँ देखा, भाई उस बंदे ने मेरे टीममेट को यहाँ पर पकड़ लिया। भाई मेरे को पता भी नहीं चला कहाँ से मारा क्या मारा, भाई मेरे टीममेट की पेटी डाल दी, टीममेट आया रिकॉल होकर वापस। अब भाई यहाँ देखे सामने बंदा, अब भाई ये लोग आ गए थे सामने वाले, मैंने देखा भाई ये बंदा तो ऑलरेडी है। तो मैंने अपना स्कारल का थोड़ा सा जादू दिखाया, एक बंदे को नॉक फिनिश डाल के भाई दूसरे वाले को डैमेज मिल गया था, और दूसरा वाला हमको मालूम था वो ऊपर ही आएगा। तो वो भाई ऊपर आ गया। अब जैसे वो ऊपर आया, अब मैंने सोचा भाई एंगल मिलेगा तब मारूंगा उसको आराम से, पर एंगल मिलता तब तो एंगल ही नहीं मिला। फिर काफ़ी देर यहाँ पे ऐसे मशक्कत करने के बाद यहाँ पे एक बॉट आया, आराम से बॉट का किल मैंने लिया आराम से। फिर मैं ऊपर चला गया, मैंने सोचा भाई बंदा तो है, बंदे को तो मारेंगे हम कैसे भी। अब भाई जैसे सामने मैं यहाँ पे आके लेट गया, भाई सामने बंदा भी दिख गया मेरे को कि भाई बंदा इधर उधर भाग रहा है। सोचा एक मौका तो आएगा भाई, एक मौका आएगा जब ये बंदा गलती करेगा, और उसने की है गलती। भाई बंदा आ गया खिड़की के सामने, मैंने ठीक ठाक डैमेज दे दिया था कि अब भाई वो नॉक फिनिश तो हो ही जाता। तो मैंने किया यहाँ से कूद के जल्दी से फटाक से कि भाई अब जाऊँगा अपना किल कन्फर्म करूँ, क्योंकि भाई किल होंगे तभी तो वीडियो बनेगी, वीडियो बनेगी तभी तो आप लोग प्यार देंगे तभी तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आईफोन खरीदूंगा, फिर आराम से गेम खेलूंगा बिना लैग के। तो जो भी है मैं आया भाई यहाँ पर आराम से अपना किल कन्फर्म किया, फिर मैं यहाँ से निकल गया भाई लूट करके कि भाई जल्दी भागो असली बंदे ये लोग दोबारा रिकॉल करके आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरे को मिली M4। अब भाई M4 ली मिली। अब भाई यहाँ पे मेरे पास गाड़ी थी नहीं, तो मैं आ गया यहाँ पे पैदल जोन रोटेशन देके। अब भाई सामने थी बग्गी, तो मैंने सोचा चलो भाई बग्गी का टायर फोड़ देते हैं। पहले कुछ गोली तो भाई यहाँ भूत के ढेर पे लगी, फिर मैंने बहुत मशक्कों के बाद इसका टायर मैंने फोड़ दिया। भाई बगल में थी डासी, जैसे मैंने डासी का टायर, मैंने देखा ऊपर से कुछ गिरा उधर। अब भाई जैसे गया भाई एक फ्री किल, भाई और क्या चाहिए भाई, फ्री किल लिया। फिर मैंने आराम से यहाँ पे अपना किल कंफर्म किया, फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं अब सीधा। मैंने सोचा फ्लाइट लूंगा, पर यहाँ पे मैं उस मैच में मर जाता, मैं आ गया दूसरा मैच में, दूसरे मैच में आया मिलिट्री बेस। एक बंदा नॉक, असली बंदा बॉट मत समझ, असली बंदा है ठीक है। अब तो मेरे को और दूर पे एक स्पॉट हुआ, ये बीटल मिल गया, दो बंदे दो नॉक कर दे दिए मैंने। अब आराम से मैं यहाँ पे गया अपना किल कंफर्म किया। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग का पीछे आवाज आ रहा है, मैं अपने दोस्तों से बहुत कम खेलता हूँ, पर खेलता हूँ तो भाई ये लोग चुप होने का नाम नहीं लेते। और क्या भाई, मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब भी आप दोस्तों के साथ खेले आप ज्यादा नूब जैसा खेलते हैं। भाई मैं तो नूब जैसा खेलता हूँ, पता नहीं मेरे दोस्त आते भाई किल ही नहीं होता। फिर भाई मैं यहाँ पे आ गया टावर पे, मतलब टावर पे बंदा था, तो यहाँ मैं आया उसको स्पॉट करने। भाई स्पॉट तो हो गया बंदा, मैंने उसको डैमेज किया। मेन एम था कि हम लोग यहाँ पे जब तक टावर वाले बंदे जिंदा थे, तो भाई मैंने यहाँ पे सोचा कि कैसे भी तो मारना तो पड़ेगा थोड़ा सा। तो जो रिंगते हो जाए क्या, रिंगते क्या जाएंगे, काफी देर यहाँ पे मैंने देखा दो बंदे थे, मैंने सोचा स्प्रे करूंगा टावर वाले भाई बहुत खिलेगी। अब जानते हैं स्कारल का हिलना, हाँ वो दिखा स्कारल का, तो मत समझ आ रहा था ना कौन बोल रहा है। मेरा एक टीममेट वहाँ जाकर नॉक हो चुका था पहले, मैं बंदा दिख रहा, मेरा दूसरा टीममेट जो मेरा दोस्त था बोल रहा, हम लोग तीन दोस्त थे भाई। बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए स्कारल का स्प्रे कैसा था भाई। देखा ये गाड़ी का आवाज आ रहा, हम जा रहे साला डायरेक्ट स्कारल से, मैंने हेड कनेक्ट किया वो भी इतना दूर, वो भी मेरे जैसा नूब प्लेयर ने। तो एक लाइक कर दीजिए, नहीं करना है तो कमेंट कर दीजिए भाई, थोड़ा तो मेरा वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ेगा, वीडियो ज़्यादा लोग तक जाएगी, ज़्यादा लोग देखेंगे, कुछ नहीं तो कमेंट में गाली देके जाएंगे, तो कुछ तो करेंगे मेरी वीडियो में एंगेजमेंट। भाई सामने आ गए बंदे, उसी को मारेंगे डायरेक्ट। मैंने सोचा भाई ऊपर उतरेगा ना, तो ये टावर वालों का एक स्प्रे में खा जाता हूँ दोनों का, वापस देखते जाइए मैंने कैसे किया।
मित्रों दिख कैसे रहा यार? क्या मतलब कोई बोल रहा है मुझे मारा क्या? नहीं आता अच्छे भाई, तुम मार के तो देख रहे हो। अभी यहाँ पे बंदा बुलाया भाई, उसके पास बंदा मार दिया, मार दिया। देने यहाँ पे आया तो एक टॉन्ट खा के मैं उल्टा गया कि भाई बहुत जल्दी आया, जो भी आया बहुत जल्दी आ गया। टॉन्ट खाया फिर मैं आराम से वापस चला गया अपनी पोजीशन पे, क्योंकि भाई उसके बाद तुम्हारा बचने का चांस है। अगर मैंने मारा भाई मेरा टीममेट गया, दोबारा नॉक हो जाता। क्या नॉक करूं यहाँ से? मैंने अपनी M4 उठाई, M4 नहीं अब छत पे मेरे को बस मेरा छत पाने का एक ही बंदा। तुम टावर वालों को कैसे भी खाना है, टावर वाले मेरी पूरी टीम की नाक में दम कर रखे। तो मैंने आप स्कार खोल लिया था, रिलोड किया अरे एक मार और फायर किया अपनी स्कार एल के जादू से। मैंने सामने वाले दोनों बंदों को मार दिया भाई। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए सामने एक बंदा आया, बंदा आ रहा है, देख देख मैं टीममेट में कॉल दे रहा हूं इसको, चलते हुए मैंने नॉक कर दिया भाई। ये किल मेरा कंफर्म नहीं हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए पोचिंग में, अभी कॉल हो गया बोल सकते हैं आपको। मालूम है एक मैच में मेरा 3-4 मैच देख लिया मेरे, क्या करूँ भाई, एक किल एक मैच ज़्यादा किल कर नहीं पाता। तो मैं भाई यहाँ पे आ गया भाई, सामने से फुटस्टेप आई थी यहाँ ट्रिपल स्टोरी में, कोई M249 दे धनादन चल रहा था भाई। फुटस्टेप आ रहे थे सामने, कोई बंदा है, बंदा भाई मेरे फटके आ रहा पीछे हो गई हाइट ले रहे मेरे को भी नहीं पता। फिर मैं क्या ही कर लेता भाई, उजी और मेरे पास ये पीपी बाइजन है भाई। पीपी बाइजन का एक चीज़ तो क्या, 53 गोली रहती है, 53 इसमें जितना मन उतना फ्री फायर दे सकते हो मतलब। हाँ भले ही 53 गोली के बाद रिलोड लग जाएगा वो अलग बात है, फिर तुम्हारी पेटी भी लग जाएगी। अब यहाँ जैसे मैं यहाँ पे लेटा भाई, सामने से आगे स्टेप और बंदा दोनों। अभी मैंने एक चीज देखी, उजी का फ्री फायर मस्त है भाई। यहाँ से इस बंदे को मार के मैं यहाँ पे पेटी लूटा, फिर मैं यहाँ से चला गया यहाँ सामने वाले घर में, ट्रिपल स्टोरी के सामने जो घर होता है उसमें। अब यहाँ पे मेरे को सामने दिख गया था बंदा, कि बंदा तो है। अब मैंने सोचा नेट कर दो, मेरे को फिर फुटस्टेप और एक गाड़ी का आवाज़ भी आया। गाड़ी आ गई यहाँ पे, एक डासिया बंदा कूदा। अब ये बंदे को इस डासिया ने मरवा दिया। तो भाई इस बंदे ने मेरे टीममेट को मारा था, इसका आपको वहाँ पे किल फीड में नाम दिखेगा। जब मेरे टीममेट को मारा भाई, मैं यहाँ पे आ गया फ्लैंक करके ये सामने जो रिकॉल टावर है उसके वेयर हाउस पे, क्योंकि भाई यहाँ से जो कोचिंग की मैं जिन बंदों ने मेरे टीममेट को मारा था वो लोग वहाँ पे यहाँ पे रिकॉल टावर पे फाइट लिया। तो मैंने सोचा भाई मैं तो जाऊँगा फ्लैंक करके, स्काउट भाई इंस्पिरेशन जो है। अब भाई यहाँ पे सामने मेरे को दो बंदे स्पॉट हो गए, एक बंदा स्पॉट हुआ, स्पॉट एक बंदा हुआ, नॉक दो बंदे हुए, और ये दोनों वही बंदे थे जिन्होंने मेरी टीम को ख़त्म किया। अब भाई मैंने यहाँ पे आके अपने आराम से दोनों का किल कन्फर्म किया, तो दोनों का नहीं, पहले एक किल कन्फर्म किया फिर अंदर गया, फिर मैंने अपना दूसरा किल कन्फर्म किया। फिर यहाँ से मैं घूम के चला गया दोबारा ये सामने वाले पत्थरों के पास, क्योंकि भाई कवर तो लेना था मेरे को, कवर तो मेरे पास था नहीं। अब कवर था नहीं तो हम क्या करते हैं भाई, सामने तक ही बंदा स्पॉट हुआ मेरे को। फ़ायदा तो है इसका 53 गोली का फ्री फायर आराम से दिया मैंने, फ्री फायर देते साथ बंदा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मैं लेट लेट के पहुँच गया यहाँ पर सामने वाला लास्ट जोन में। अब देखिए सामने बंदा स्पॉट हुआ, मतलब ये बंदा कितने नशे में था कि इसको मैं दिखाई नहीं दिया। फिर क्या भाई यहाँ पे जाता हूँ, दो बंदे बचते हैं, अब दोनों को मैं मार नहीं पाता हूँ, क्या कर सकते हैं, सैड लाइक। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा। अब भाई डैमेज पड़ता है, यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं यहाँ से उठ गया कि भाई जिसने गोली मारी तो नहीं उठता तो मार सकता। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, सी यू सायो। हवन चीर दजावे लगे बाज दी चौंजा हर हथ नहीं।